तो गाइस फाइनली आ गया हमारा वो पैकेट जो हमने ऑर्डर किया था अपने गंगोत्री राइड के लिए, और वो पैकेट हमारा है यहाँ पे हमारे पास में। और इस पैकेट का हमें काफी टाइम से इंतजार था, इसके कारण मेरी काफी राइड जो है वो नहीं हो पा रही थी, बिकॉज सामान जो ले जाने की, लगेज जो गाड़ी पे कैरी करने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने इसको ऑर्डर किया है, ये जो है बैग के अंदर वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस बैग में क्या निकलने वाला है। सो अभी करते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइस फटाफट से कर लेते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसके अंदर तो कुछ नहीं है पन्नी में, अब जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो है हमारे सामने। लेकिन इसको डब्बे में दे देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो गाइस फाइनली हमारे पास ये कुछ इसकी इनवॉइस है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये तो ऐसे लगा रखा है इन्होंने रैप जैसे कोई गिफ्ट विफ्ट भेजा हो। इसको फाड़ेंगे नहीं बिकॉज कभी रिटर्न करना हो तो। ये है हमारा सैडल बैग जो कि आता है राइनॉक्स की तरफ से, और काफ़ी हैवी मटेरियल है यार इसका, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी लग रही है मुझे तो। मैंने ये फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है कोई सैडल बैग अपनी बाइक के लिए। सो गाइस एज यू कैन सी ये है मेरा राइनॉक्स का एक्सट्रोम वाटरप्रूफ सैडल बैग, और ये आता है राइनॉक्स की तरफ से। इतना लीटर स्पेस है इसके अंदर और कैसी क्वालिटी है इसकी वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सो इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का बना हुआ है ये, मतलब अंदर से तो ये लाइक प्लास्टिक की लग रही है लेकिन ऊपर से ऐसी फील दे रही है जैसे रबराइज हो कोई मटेरियल, जो रबड़ का होता है ना मटेरियल वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं पास से कि कैसी इसकी क्वालिटी है और अंदर से, और टोटली ये गाइस पूरा वाटरप्रूफ है। और फिनिशिंग देखो यहाँ पे आ जाता है अपना राइनॉक्स की ब्रांडिंग, और ये हमारी कुछ स्ट्रैप्स हैं जो कि हम लोग अभी लगाएंगे बाइक पे, तो हम लोग देखेंगे कैसे इसकी स्ट्रैप्स लगाई जाएंगी। और पीछे की साइड में इसकी एक ये पैडिंग है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैडिंग है इसकी जो कि हमारा सैडल स्टैंड के ऊपर लग जाएगी। अगर सैडल स्टैंड नहीं है तो हम लोग कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मतलब डैमेज ना हो आपका कोई भी सामान अंदर बैग में, तो ये पैडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए। और ये जो इसके ऊपर का जो पार्ट है ये इसकी कुशनिंग भी काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे, ये पूरी कुशनिंग काफ़ी हार्ड है और अंदर इसके रबड़ लगी हुई है। और ये जो है ये हमारी आएगी सीट के कवर के ऊपर जो कि एक उसके ऊपर से हम लोग रैप कर देंगे इस वाले बैग को, और इस वाले बैग को ऐसे करके हम लोग रैप कर देंगे ऊपर से, तो ये इसमें हमारी हेल्प करेगी। ये जो अंदर इसका स्पेस है इसमें 32 लीटर का स्पेस है ईच बैग में, मतलब एक बैग में 32 लीटर का स्पेस है तो दोनों बैग में मिला के हो गया हमारा 64 लीटर, पूरा टोटल जो स्पेस है 64 लीटर का हो गया। सो काफ़ी कुछ सामान हमारा इसमें आने वाला है। अंदर की साइड में आई डोंट थिंक इन्होंने कुछ नीचे पैडिंग दे रखी है, नहीं नीचे कोई पैडिंग नहीं दे रखी है जैसे कि हमारा सामान एक मतलब एक सरफेस पे रहे अच्छे से जो कि हमारा सामान गिरे ना, बट नीचे हम लोग जब कुछ ऐसा लैपटॉप वगैरह कैरी करेंगे तो हम लोग उसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। सो ये वो फैसिलिटी इसमें नहीं दे रखी है हमारी, अगर हम लोग दूसरा वाला लेते हैं नोमैड वाला तो उसमें वो फैसिलिटी हमारी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है चलाएंगे काम इससे भी। बाकी बहुत बढ़िया क्वालिटी है बैग की, और इसमें चारों तरफ ये स्ट्रैप दे रखी हैं, पीछे की साइड में ये वाली स्ट्रैप दे रखी है, आगे की साइड में ये स्ट्रैप दे रखी हैं, और कुछ स्ट्रैप्स इसमें ऊपर की साइड भी दे रखी हैं। और सपोज दैट आप लोग किसी होटल में स्टे करते हो तो वहाँ पे आपको इसको उतार के ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें के लिए आप उन लोगों ने कि ये स्टैंड दे रखा है यहाँ पे, तो हैंडल है कि कैरी हैंडल, इसको पकड़ के हम लोग इजीली अपना बैग ऊपर ले जा सकते हैं रूम में, तो कोई दिक्कत नहीं। और जब हम लोग इसके अंदर सामान डाल देंगे ना इसके अंदर, तो पता है कैसे इसको कैसे करके रोल करना है इसको, तो इसमें तो ये वाली स्ट्रैप है ना ऊपर वाली, ये स्ट्रैप को ऐसे रोल करना है ऐसे पकड़ के, और जो अंदर हमारा सामान होगा ना वो ऐसे रोल करने के बाद में, और उसके ऊपर से जो ये स्ट्रैप आती है इसको ऐसे करके इस वाली स्ट्रैप में ऐसे लगा देना है, बस सिंपली हो गया काम। दोनों स्ट्रैप को ऐसे लगा देना है और एक भी बूंद पानी इसके अंदर नहीं जाने वाला है, बिकॉज ये जो इसके अंदर कोई चेन नहीं है कोई कुछ नहीं है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। सामान भरने के बाद जो हमारी इसके अंदर एयर बन जाएगी ना वो भी हम निकालेंगे, एयर निकालने के बाद हम लोग को ऐसे करना है इसको सिंपली। सो गाइस एज यू कैन सी स्पेस हमारी सेफ्टी के लिए एक रेडियम के स्टिकर्स लगे हुए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, एक स्टिकर यहाँ पे प्लेस हो रखा है, एक स्टिकर सेम इसके कॉर्नर पे लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेस हो रखा है, और एक स्टिकर जस्ट यहाँ पे प्लेस हो रखा है ये देखो यहाँ पे। तो ये रेडियम स्टिकर हमारा हेल्प करेंगे जब हम लोग नाइट में ड्राइव कर रहे होंगे तो आगे पीछे से हमारे जो भी व्हीकल्स आ रहे होंगे तो उनको अच्छे से इंडिकेट कर देंगे कि भाई आगे कोई जा रहा है। अच्छा फीचर है कि हम मतलब बैग पे चारों तरफ इन्होंने रेडियम के स्टिकर दे रखे हैं, और ये दोनों बैगों पे हैं, मतलब दोनों बैगों पर दे रखे होंगे आपके लिए। तो फाइनली गाइस हमारा बैग आ गया है, अब इसको लगाते हैं अपनी बाइक पे, दिखाते हैं आपको माउंट करके कैसे इसको माउंट करना है अपनी बाइक के ऊपर। चलो चलिए चलते हैं देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे खड़ी है हमारी डोमिनार, और ये बैग है हमारे हर्षित के हाथ में, और जैनी ले गई मेरा वायर उठा के। ओए छोड़ जैनी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और भूभी यहाँ पे अपना काम कर रही है ट्यूशन का, छोड़ो उसने मुँह में ले लिया, ये बहुत शैतान हो गई आजकल। सो गाइस अभी जो हमारी डोमिनार खड़ी है इसके ऊपर से कवर हटाते हैं हम।
सो गाइस, बाइक का रेन कवर मैंने उतार दिया इसके ऊपर से और फटाफट से अब इंस्टॉल कर लेते हैं अपने राइनॉक्स के बैग को इसके ऊपर, देखते हैं कि मतलब कोई परेशानी ना आए फ्यूचर में। हम लोग ट्राई कर लेते हैं एक बार, हम लोगों ने पहली बार हम लोग इसको माउंट कर रहे हैं और पता भी नहीं हमें कैसे माउंट करना है। और चलिए आप लोगों को दिखाता हूं मैं कैसे माउंट करना है, क्या प्रॉब्लम आती है फर्स्ट टाइम माउंट करने में, और आप लोग भी सीख जाएंगे मेरे थ्रू। कर लेते हैं फटाफट से इसकी माउंटिंग बैग की और दिखाते हैं कि कैसे करके लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बैग माउंट कर लेते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये राइट वाला है या लेफ्ट वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी बैग आप लोग राइट लेफ्ट कर सकते हैं। जो हमारा एक बैग है वो हमारा यहाँ पे इजीली हम लोग ऐसे करके रख देंगे यहाँ पे, और ये हमारा पूरा सीट के ऊपर आ गया यहाँ पे इजीली। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा वाला बैग है ना, ये वाला, वो हम लोग जस्ट इसके ऊपर रखेंगे। तो हमारा जो दूसरा वाला बैग है जस्ट इसके ऊपर ये वेलक्रो दे रखी है ना यहाँ पे, ये वेलक्रो, ये जो आपको सामने यहाँ पे वेलक्रो दे रखी है, तो ये वेलक्रो जो हमें इसको यहाँ पे ऊपर लगानी है जस्ट इसके ऊपर। और मतलब ढीला और टाइट हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आगे पीछे करके इसको एडजस्ट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग जस्ट फॉर टेस्टिंग चेक कर रहे हैं कि ये ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। सो मैंने वेलक्रो के ऊपर वेलक्रो लगा दी है और ये हमारा इजीली सेटअप हो गया। तो रुकेगा तो ये ऐसे काफ़ी स्ट्रांग हो गया बॉन्ड इसका। अभी हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा फाइनल वर्डिक्ट बचता है वो हम लोगों को करना है कि इसकी स्ट्रैप्स लगानी है आगे पीछे, इसके चारों तरफ लगाएंगे हम। ये क्या हो रहा है कि ये हमारा जो बैग है ये इस इंडिकेटर में अड़ रहा है, तो ये टूट सकता है। सो गाइस, अगर आप लोग सैडल बैग यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि सैडल स्टैंड तो मस्ट है बाइक में। तो मेरे पास अभी सैडल स्टैंड नहीं है, मैंने ऑर्डर कर रखा जाना से, वो कि डिलीवर हो जाएगा 7 से 8 दिन में। ये जो स्ट्रैप है ये तो ऊपर लगेगी, बाकी ये वाली स्ट्रैप जो है वो आएगी हमारी नीचे की साइड में यहाँ पे। एक प्रॉब्लम हो गई है, जो मैंने बताया था ना कि कोई लेफ्ट की और राइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है यहाँ पे प्रॉब्लम। मैंने देखा कि जो ये वाली जो स्ट्रैप है ना, ये वाली जो स्ट्रैप है ये बैग के एक ही कॉर्नर में दी हुई है, और इस वाले बैग में जो दी गई है इस वाले कॉर्नर पर दी गई है। तो मतलब ये जो स्ट्रैप आएगी ना, ये हमारी जो फूड स्टैंड होता है ना, हमारा फूड स्टैंड उस पर लगेगी, तो हमें इसको घुमाना पड़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है वो राइट का है और ये वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट का है। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। सो आप लोग मेक श्योर ये चीज़ ध्यान रखें, ये वाली जो स्ट्रैप है ये हमारा फूड स्टैंड है, ये हमारी इसमें लगेगी। ये वाली स्ट्रैप है ये ऐसे हम लोग खींच के यहाँ से इसको टाइट कर देंगे। जो हमारा राइट साइड है यहाँ पे भी हमारी सेम ही स्ट्रैप है, और सेम स्ट्रैप को हम इसमें लगाएंगे अपने फुट रेस्ट पे, हम लोग इसको लगाएंगे यहाँ पे सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया है, और ये हमारा अच्छे से टाइट हो गया है यहाँ पे। ये अब ये निकलेगा नहीं बाहर की तरफ में। वैसे अभी ऊपर तो आने से रहा, मैं जैसे कि मैं तो इसको हिला रहा हूँ तो ये ऊपर भी नहीं उठ रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रैप्स हैं उन्होंने अच्छे से इसको जकड़ लिया है, तो ये ऊपर भी नहीं उठ रहा अब बिल्कुल भी, मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, तो ये लेफ्ट राइट भी नहीं भागेगा। ये वाली स्ट्रैप हमारी कहाँ पर काम आने वाली है, ये वाली स्ट्रैप जो हमारी काम आती है ये यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। अब हमारा मान के चलो यहाँ पे अगर हमारा सैडल स्टैंड होता तो सैडल स्टैंड की ना ये ऊपर से आ जाती, मतलब हमें टेंशन नहीं होती कि हमारा पहिए से टकरा जाएगी ये रबड़, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सैडल स्टैंड नहीं है तब भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोग यहाँ तो इसे यहाँ से निकाल लें इसके ऊपर से, या तो इसके नीचे से निकाल लें, और इसको नीचे से निकालने के बाद इस वाले बैग में यहाँ पर एक हुक दिया हुआ है ये वाला, तो आपको सिंपली इस वाले हुक में इसको लगाना है इसके अंदर। और वो कैसे लगाना है, वो ऐसे इसमें लगाने के बाद में यहाँ पे लगाना है सिंपली। तो गाइस फाइनली हमारी ये वाली स्ट्रैप भी लग गई हैं, जो चारों तरफ की जो हमारी स्ट्रैप्स हैं वो लग गई हैं फाइनली। और अब हम लोग ऊपर की जो स्ट्रैप है वो लगाएंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हमें दी गई होती हैं। और जो ये वाली जो स्ट्रैप है वो आपकी रोल होने के बाद, वो आपकी रोल होने के बाद ऐसे इसमें लग जाएगी यहाँ पे, ये आपकी यहाँ पे लग गई। और सेम लाइकवाइज ये यहाँ पे लग जाएगी, ऐसे करके हम लोगों ने इसको बांध दिया। अब इसका जो रोल ऑन हमने किया था इसको नीचे, ये खुलेगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये सेटअप है ये कंप्लीट हो गया है, और ये हमारा बैग बिल्कुल एज इट इज़ सेम हमारा जो दरवाला है रहने वाला है। तो हमारा ये जो अब राइड में कहीं नहीं गिरेगा, और बाइक काफ़ी मस्कुलर लग रही है बैग लगने के बाद। अब जब इसमें सामान आएगा ना थोड़ा सा, जब इसमें पूरा सामान हम लोग फिल कर देंगे तब और ज़्यादा मस्कुलर लगेगी। अभी तो एक साइड का बैग हमारा फूला फूला लग रहा है, बाकी दूसरा साइड का बैग भी हमारे को बिल्कुल सेम एज इट इज़ लगाना है। मतलब कोई ज़्यादा बड़ी उसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है हमने, बाकी सिंपली मतलब स्ट्रैप्स को खोलना बांधना है सिंपली, और कुछ नहीं है। जो बाकी जो स्ट्रैप्स है, एक स्ट्रैप तो मैंने आपको बता दिया है, वो यहाँ से निकल के, यहाँ से हमारी बाइक के नीचे से निकल के जो जाएगी हमारे बाइक के उस वाले छोर पे, और इस वाले बाइक के इस वाले कुंडे में जो हमारा ये लॉक दे रखा होता है, इस वाले लॉक में हम लोगों को फंसा देनी है इजीली, ज़्यादा कोई इसमें बड़ी महाभारत नहीं लगानी है हमने। और जो एक स्टेप है हमारी वो यहाँ पे लग जाएगी हमारी फुट रेस्ट में आगे की तरफ। आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी बाइक के अकॉर्डिंग, आपका कुछ किस बाइक में फुट रेस्ट यहाँ पे भी होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसकी जो कॉर्ड होती है ना, उसकी कॉर्ड की लेंथ काफ़ी लंबी, काफ़ी ज़्यादा दे रखी है इन्होंने, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और
सेम इस साइड में है, बाकी यहाँ पे कोई वो दिक्कत नहीं है। और सेम यहाँ पे जो फुट रेस्ट है इसमें हमने यहाँ पे लगा रखी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब मुझे भी लग रहा है ऐसा कि मतलब ये बैग जो मेरा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, जब इसमें बैग में सामान होगा तो गड्ढे वड्ढों में ना नीचे की तरफ भागेगा ये, तो इसमें पहिए में अड़ने का डर रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बंजी कॉर्ड नहीं है। बाकी मैं क्या करूँगा उसके लिए, जब मैं आपको राइड पे जाऊँगा ना तब आपको दिखाऊँगा पूरा सेटअप इसका कि मैंने कैसे सेटअप किया है इसको। अभी तो फिलहाल मैं आपको इसको माउंट करके दिखा रहा हूँ कैसे माउंट करना होता है। जो बंजी कॉर्ड होती है ना, हम लोग बंजी कॉर्ड इसमें फुट रेस्ट में फंसा के यहाँ से ऐसे करके ला के इसके ऊपर से निकाल के पूरा मतलब ऐसा वो बनाएंगे ना, बॉन्ड सा वॉल सी बनाएंगे, मतलब पूरी वॉल बन जाएगी बंजी कॉर्ड को ना अपने ऊपर, ये ऐसे हम लोग प्लेस कर देंगे बंजी कॉर्ड के ऊपर, तो ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा। बंजी कॉर्ड हमारा सैटरडे स्टे की तरह काम करेगी, और सैटरडे स्टे जब तक नहीं आ रहा तब हम लोग ऐसे काम चलाएंगे, जब सैटरडे स्टे आ जाएगा तो सैटरडे स्टे की हेल्प से हम लोग उसको माउंट किया करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यही था आज की वीडियो में। बाकी बाइक कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताना मुझे, और जब उसको नेक्स्ट राइड में हम लोग लेके जाएंगे तो इसका पूरा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा कि मतलब बाइक बैग कैसा है कैसा नहीं है। और जो आप लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्टर सामने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जब नाइट में हम लोग ड्राइव करेंगे तब ये अच्छे से अपना बखूबी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पिलियन के लिए कंफर्ट आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पिलियन अगर यहाँ बैठेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से पिलियन बैठ सकता है। और जो हमारा राइडर रहेगा, राइडर की भी काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है, राइडर को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पिलियन तो वैसे भी ये अच्छी खासी कुशनिंग दे रखी है, ये कुशनिंग अच्छी खासी दे रखी है यहाँ पे, तो पिलियन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा कुशनिंग के लिए सीट रखनी है इसके ऊपर तो आप लोग सीट भी रख सकते हैं। बाकी मैं इसमें बैक रेस्ट भी लगाने वाला हूँ नए पिलियन राइडर के लिए, क्योंकि लॉन्ग राइड में जो बिना बैक रेस्ट के ना डोमिनार में दिक्कत आती है, मतलब क्योंकि गियर डाल के गाड़ी को उठाओ ना तो पीछे वाला बंदा ऐसा लगता है भाई गिर जाएगा धार। तो इसमें हम लोग बैक रेस्ट भी लगाएंगे। बाकी बाइक कैसी लग रही है आप लोग बताना कमेंट करके। सो गाइस सैडल बैग की जो कॉस्ट मुझे पड़ी है वो पड़ी है मुझे 5,350 रुपीज़, और जो कि एक बहुत ही अच्छी डील है इस रेंज में। रेंज में और भी बैग्स आते हैं, नोमैड का आता है सैडल बैग, और ड्राई स्टैक का आता है 4,500 रुपीज़ का राइनॉक्स की तरफ से। सो मतलब मेरे को ये ज़्यादा बढ़िया लगा, ये ज़्यादा सुटेबल लगा मेरे लिए, क्योंकि जो ड्राई बैग और सॉरी जो ड्राई स्टैक और नोमैड वाला बैग है ना वो अपने आप में एक फूला फूला सा रहता है, तो स्पेस काफ़ी लेता है वो, अगर आपका उसमें सामान है भी तो भी नहीं है तो भी, तो वो उतना ही रहेगा अपना, मतलब स्पेस कम नहीं करेगा। तो इसको हम लोग अपने स्पेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर बैग में, तो मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया। सो आप लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो भाई बाइक कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, और इसका जो रिव्यू है पूरा मैं आपको राइड पे जाने के बाद दूंगा कि मतलब क्या इसमें रिस्पॉन्स दिया मुझे इस बैग ने, क्या मतलब अगर कोई रेन वेन पड़ेगी तो रेन का भी मैं आपको दूंगा, मतलब वाटरप्रूफ कितना ज़्यादा हद तक है और पानी वानी कितना जा रहा कितना नहीं जा रहा, बिकॉज मेरे को लगता है नहीं जाएगा पानी, क्योंकि 100% वाटरप्रूफ बैग है ये, और आपको इसका कोई भी रेन कवर नहीं आता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी का ये बैग होगा हमारा। और इसमें नानों को बता दिया था मैंने आपको कि 64 लीटर स्पेस है दोनों बैग को मिला के, इंक्लूडिंग मतलब इंडिविजुअल बैग में, एक पर्टिकुलर बैग में 32 लीटर का स्पेस आता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस बैग की कि मैं फील कर रहा हूँ, और राइड पे जाके मैं आपको बताऊंगा क्या इसका रिस्पॉन्स है क्या नहीं है। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बी सेफ राइड सेफ, साइनिंग ऑफ।